दोस्तों, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो वर्तमान समय में देखा जाए तो अपने करियर को लेकर खासे चिंतित हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद फिर कुछ उम्मीद बंधती है जब छत्तीसगढ़ में बीएड को अलाउ किया जाता है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती थी वो 11 अगस्त वाले आदेश से पहले शुरू हुई थी, तो उसमें बीएड को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर बिहार के संदर्भ में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उससे अभ्यर्थी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं बीएड बिहार शिक्षक भर्ती में बाहर रहेगा या फिर अंदर रहेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड पर महापंचायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको प्राइमरी में अवसर जरूर मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार कानून बनाए या फिर जो कुछ भी प्रावधान हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे बीएड पर महापंचायत की, साथ ही साथ 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में क्या बीएड बाहर होगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6000 पदों पर एलटी ग्रेड पर काम शुरू हो चुका है। और जो एक यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सामने कि जो समकक्षता वाला मैटर था उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो विज्ञापन कब तक जारी होगा, कुछ और भी बातें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है। इसमें तमाम अभ्यर्थी शामिल हैं जो कि बीएड को चाहते हैं कि प्राइमरी में शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो तस्वीर है इसे आप देख रहे होंगे, बालसन चौराहे पर मंगलवार को संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर आयोजित पंचायत में बड़ी संख्या में छात्र पहुँचे और अपनी मांगों को यहाँ पर उन्होंने रखा है। और प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े बीएड अभ्यर्थी महापंचायत। अब यहाँ पर ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये अमिताभ ठाकुर हैं, ये भी पहुँचे थे मौके पर। फिलहाल फ्रेंड्स, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बासन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा और उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुँचे और अपना समर्थन दिया। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बीएड अयोग्य होने पर लाखों छात्र हताश और परेशान हैं, लिहाजा उन्होंने मांग की है कि सरकार को कानून पास कर बीएड को प्राइमरी स्कूलों में मान्य किया जाए। ये मांग कर रहे हैं इस महापंचायत में अभ्यर्थी। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार अधिकार की भी मांग उठाई है और ये भी कहा है कि वर्तमान समय में क्योंकि चुनाव निकट है तो चेतावनी दी है कि अगर चुनाव से पहले सभी रिक्त पदों को भरने का ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य यहाँ पर जो भी लोग शामिल हुए उन्होंने निश्चित रूप से बीएड के हक के लिए और रोज़गार के लिए आवाज़ उठाई है और ये मांग करी है कि जो भी शिक्षक भर्तियाँ आनी हैं उन पर जो है तेज़ी से काम शुरू किया जाए। साथ ही साथ जो अन्य शिक्षक भर्तियाँ हैं और जो अन्य भर्तियाँ हैं उस पर भी काम होना चाहिए। ज्ञापन में संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए विधेयक लाने, केंद्र सरकार और राज्यों में रिक्त पड़े पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बिजली, कोयला, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने जैसी मांग भी की गई है। एनीवे, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और जो आ भी रही है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो बात करेंगे अब बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। 7वें फेज की जो शिक्षक बहाली हो रही है बिहार में, उसमें जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें बीएड को अलाउ किया गया था। बीएड ने परीक्षा भी दी है और अब यहाँ पर मामला ये बन रहा है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए। अब मामला जो था वो छत्तीसगढ़ जैसा ही था, केवीएस जैसा ही था, अवसर मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर बीएड शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका, ये खबर निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका भी लग सकता है, मतलब मामला जो है वो बिल्कुल तलवार की धार पे है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। अब यहाँ पर एक बात और भी है,
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए सरकार के मतलब 11 अगस्त को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, तो जो छत्तीसगढ़ जैसा जो लाभ है वो बिहार में भी मिल सकता है बीएड वालों को, बशर्ते कि इस पर एक बार कायदे से सोच समझ लिया जाए, सलाह मशवरा करके बीएड को शामिल किया भी जा सकता है। मतलब दोनों उम्मीदें यहाँ पर बन रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च सरकार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। ये भी कहा कि जो चल रहा है नियम उस नियम का पालन भी करे, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम बिहार सरकार को कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो नियम है वो यहाँ पर भी लागू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी निराशा है। मतलब उनका मन जो है वो अभी उहापोह की स्थिति में है कि क्या होना है आगे चल के। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बीएड वालों ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा दी है और बहुत सारे लोग उसमें सफल भी हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो अस्पष्ट न होने की वजह से अभ्यर्थियों के मन में भी मतलब स्थिति जो है वो आप समझ सकते हैं। अपने आप को एक बार उनकी जगह पर रखिए तो आपको समझ में हर बात बिल्कुल आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके बाद आगे कोई निर्णय होगा, ये सचिव का कहना है बीपीएससी रवि भूषण का। मतलब ये है मामला यहाँ पर कि अभी जो है बीएड बाहर होगा या नहीं होगा इस पर अभी मंथन किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर कोर्ट का आदेश भी है, साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो बिहार सरकार को कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, तो कई सारी स्थितियाँ बन रही है। फिलहाल थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, जो भी स्थिति बनती है उस पर हमारी भी नज़र है और हम आपको उस चीज़ से आपको अवगत भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित बनेंगे प्रधानाध्यापक, ये खबर आ रही है बिहार से। तो यहाँ पर खबर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नौकरी पेशा वालों की बात की खबर है। एलडी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति को संस्तुति मिल चुकी है, जल्द जारी होगी 6 विषयों की तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के द्वारा 2018 में जो शिक्षक भर्ती करवाई गई थी एलडी ग्रेड की, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सूची जारी की गई है, तो कुल मिला के 15 में से 9 विषयों की तीसरी सूची जो है जारी हो चुकी है, बाकी जो सूची है वो भी जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद ये सूची जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दी जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये नियुक्ति वाला काम तो चल रहा है। एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए जो प्रक्रिया है ये भी स्टार्ट हो चुकी है। अभ्यर्थियों को बताया गया है कि स्नातक समक्ष यानी कि स्नातक के समकक्ष जो अर्हता वाला विवाद है उसका समाधान हो चुका है। बीएड समकक्ष अर्हता विवाद के लिए कार्यवृत्त तैयार किया जा चुका है, शासन से लगातार पत्र व्यवहार हो रहा है और विज्ञापन पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती भी आ सकती है, कब तक आएगी तो भैया इसके बारे में कुछ न बताया गया न कुछ कहा गया। हाँ इतना जरूर है कि आपको ये भर्ती अगले 2 महीनों में देखने को मिल सकती है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे नए चैनल IAS PCS मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर की डेली डोज दी जाती है। इससे आपको निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। PDF भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल आपके लिए तो विशेष छूट चल रही है, अगस्त माह तक का जो करंट अफेयर है ये PDF के रूप में अवेलेबल है और हर महीने की PDF मात्र 15 से 16 पन्नों में आपको दी जा रही है। इसका निश्चित रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि एक बार करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो सफलता का प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो औरों से कई गुना अधिक हो जाती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।